आरसीआई की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आप देखिए, हमने अभी तक आपको क्या पढ़ाया, आयोटा की वैल्यू रूट का माइनस वन, आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस वन, आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, आयोटा फोर क्या होता है वन। उसके बाद हमने पढ़ाया वन अपॉन आयोटा क्या होता है माइनस आयोटा, वन अपॉन आयोटा क्यूब क्या होता है आयोटा। यहां तक अपना काम कंप्लीट हो चुका था और मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूं कि आपने इसको याद भी कर लिया होगा। तो अब इसके आगे हमारी कॉन्सेप्ट और इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे और इस आयोटा के बाद की बातें उसके बाद करेंगे। तो पहले हम क्लियर करते हैं कि अगर पावर ऋणात्मक आ जाए तो फिर कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है। तो देखिए, अगर आया आयोटा की पावर माइनस 25, आयोटा की पावर आया माइनस का 33, इस तरीके का क्वेश्चन आया तो आप उसको कैसे सोल्व करोगे, ये अच्छी और इम्पोर्टेंट बात है। तो देखिए, आयोटा की पावर माइनस का 25, अब ध्यान देना, देखो ऋणात्मक पावर है तो इसको अंश से हर में लेके आओ तो धनात्मक हो जाएगी। और अब इस क्वेश्चन को सोल्व करो तो देखो, वन अपॉन, अब 25 में 4 का भाग दो तो शेषफल क्या बच रहा है, एक, तो सीधा आयोटा उसकी पावर 25 मत लिखो, ये शेषफल लिखो, ठीक है। और यहां से क्या आया, वन अपॉन आयोटा, और वन अपॉन आयोटा का मान क्या होता है माइनस आयोटा, और यही आपका क्या है आंसर है। उसके बाद आयोटा की पावर माइनस 33 है तो क्या करोगे, वन अपॉन आयोटा की पावर 33 ऐसे लिखोगे। उसके बाद देखो, आप इसमें 4 का भाग दो क्या बचेगा, शेषफल क्या आ रहा है, एक, अरे 4 से 32 तक पहुंच गया, एक शेषफल आया। और वन अपॉन आयोटा क्या होता है, वन अपॉन आयोटा क्या होता है माइनस आयोटा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं आयोटा की पावर माइनस 39 तो क्या लिखोगे, वन अपॉन आयोटा की पावर 39, अब इसमें आप 4 का भाग दो तो 36, 3 आपको क्या मिलेगा शेषफल मिला लिखा, और वन अपॉन आयोटा क्यूब क्या होता है आयोटा। आया कि नहीं आया समझ में, यहां तक आपने समझा कि आयोटा की पावर माइनस 25, आयोटा की पावर माइनस 13 और आयोटा की पावर 39, इन सबको आपने इधर समझ लिया। अब इसके आगे हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और देखिए, अभी ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है, इसको करते हैं, आयोटा की पावर 19 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 29 और इसका स्क्वायर है, इसको सोल्व करते हैं। और इसके सोल्व करने के बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा सा अपडेट वर्जन में चले जाएंगे। तो देखिए ध्यान से, देखो आयोटा की पावर 19 प्लस 1 की पावर 29 अपॉन आयोटा की पावर 29 और इसका क्या है स्क्वायर। उसके बाद देखो, ध्यान देना, आयोटा की पावर 19 आप 4 का भाग दो, 4 चौका 16 कितना शेष पर आया 3, यह लिख दिया बिल्कुल जो पढ़ाया उसी पे बेस्ड है, प्लस 1 अपॉन आयोटा की 1 की पावर कितनी भी होनी आने वाला है, और आयोटा की पावर 29 क्या होगा आयोटा, भाई आयोटा की पावर 1 होगा ना तो क्या होगा आयोटा, और इसका क्या कर दिया स्क्वायर। अब ध्यान देना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया, वैल्यू ऑफ आयोटा, आयोटा का मान क्या है माइनस आयोटा, और वन अपॉन आयोटा का मान भी क्या है माइनस आयोटा, और इसका क्या कर दो स्क्वायर। और यहां से देखो, माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, अब देखो इसको, माइनस 2 आयोटा इंटू माइनस 2 आयोटा हो गया, तो आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो यहां से क्या आया 4 आयोटा स्क्वायर, तो क्या हो गया 4, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है माइनस 1, और यहां से क्या आया आपको माइनस 4 मिल गया कि नहीं मिल गया। इस प्रकार से आप आयोटा से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उनको कर सकते हो। तो इसे आप ठीक प्रकार से, मैं समझता हूं कि आपने समझा होगा, केवल आपको इस स्टेप पे फोकस करना था कि आयोटा की पावर 19 कहीं भी नजर आता है तो आपने क्या लिखा आयोटा क्यूब, केवल आपने 4 का भाग देना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना था। आज के लिए इतना ही।